हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और पत्नी सुजैन खान का तलाक बहुत सुर्खियों में रहा। दोनों ने साल 2014 में आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। हालांकि कई मौकों पर दोनों साथ ही नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ऋतिक और कंगना विवाद के बीच भी ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन ने भी ऋतिक का साथ दिया था। तलाक के बाद भी दोनों कई बार बच्चों के साथ हॉलीडेज पर साथ देखे गए, लेकिन ऐसा शायद पहली बार हुआ कि दोनों ने एक साथ कहीं टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया हो। जी हाँ, एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए गोवा जाने का प्लान बनाया है। स्पॉट अब ऑय में छपी खबर के मुताबिक ऋतिक और सुजैन 22 मार्च को गोवा जा सकते हैं। यहाँ दोनों कुछ दिन एक साथ वक्त बिताएंगे। तलाक के बाद दोनों का इस तरह से एक साथ टाइम स्पेंड करना कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि दोनों एक बार फिर शादी कर सकते हैं। बनारस में अपकमिंग फिल्म सुपर 30 का शूट पूरा करके लौटे ऋतिक रोशन सुजैन के साथ गोवा जाएंगे। खबर यह भी थी कि ऋतिक और सुजैन के बीच अब दूरियां कम हो गई हैं। आपको बता दें कि दोनों का साल 2014 में तलाक हो गया था। हालांकि इसके बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हैं। सुपर 30 में ऋतिक एक बिहारी की भूमिका में नजर आने वाले हैं। विकास बहल द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला के एनजी प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत ऋतिक रोशन अभिनीत सुपर 30 अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगी।